कुरुक्षेत्र अम्बाला सीमा पर पार्लू के अंदर दो एक्सप्लोजिव सेल मिले तो मचा हड़कंप। अनन फनन में अम्बाला पुलिस और कुरुक्षेत्र पुलिस व बम निदेशक मौके पर पहुंच मत्था पच्ची में जुटकर जांच कर रहे हैं कि कहां से पहुंचे एक्सप्लोजिव बम बरामद सामान में कब्जे में लिया गया है। प्रत्यादर्शी अमरजीत ने मुसीबत सुबह सैर करने गए थे और उन्होंने सिंगित सामान मिला जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं एक अन्य सुखवीर सिंह के अनुसार यह आर्मी की ट्रेनिंग का सामान हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं शाहबाद से। धर्मवीर सिंह जी, जो ये बम मिले हैं दो शाहबाद के अंदर, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। सर ये देखिए, आज सुबह ही की बात है, 8:30 बजे की बात है, हमें जो सूचना मिली थी कि ऐसे करके बाद मारकंडा नदी के पास जो है पाडलू गांव पड़ता है जी, वहां पर जो है दो कुछ ऐसे मिले थे जो विस्फोटक सामग्री। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता जी। तो सूचना मिलते जैसे ही हमारी टीम वहां पर पहुंची, हमने इसको चेक किया क्योंकि इसके तौर पर हम भी नहीं कह सकते थे क्या चीज है वो, लेकिन देखने में जो कुछ बम के जैसी लग रही थी जिससे हमने शाहबाद SHO है प्रतीक कुमार जी उनसे संपर्क किया और मौके पर पहुंचे और उन्होंने जब उसको पूरी तरह से है जो पुष्टि की है कि यह बम है जी। तो उसके बाद ही हमने वहां पे कवरेज करना शुरू की थी और जैसे ही हमने कवरेज करना शुरू की तो SHO प्रतीक कुमार जी ने स्कॉट को जो है बुला लिया था वहां पे और जैसे ही उन्होंने निरीक्षण किया था तब जाके वहां पे है सर उससे पुष्टि की गई थी। दो बम थे सर जी, जिसको जो है दो निष्क्रिय कर दिया गया था जी। जी क्या लगता है मतलब यहाँ किसकी साजिश हो सकती है, क्योंकि सर अभी तो इसकी कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है सर, लेकिन देखने में सुनने में यही है ग्रामीणों का कुछ समय पहले जो है यहाँ पे आर्मी का कैंप हुआ करते थे, जैसे कि आर्मी के कैंप हुआ करते थे पहले ट्रेनिंग बेस पे जो है कुछ ग्रामीणों का कहना है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हमने SHO साहब से बात की है, उन्हें भी उनका भी यही कहना है अभी इसके बारे में कुछ पुष्टि नहीं है कि कहाँ से यह आई है कहाँ से नहीं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। इसके बावजूद भी जब कवरेज कर रहे थे जो जिला अम्बाले के जो है SHO है साहस है जी, उनका जो हम कवरेज वहां पे कर रहे थे तो उन्होंने जो है पत्रकारों से बदतमीजी भी करने की कोशिश की, कवरेज करने से हमें रोका था। अच्छा, मतलब पत्रकारों को कवरेज नहीं करने दिया जा रहा था वहां पर। जी जी सर, जी सर, साहस है SHO है ये बलकार सिंह जी सरदार जी है जी। तो पत्रकारों से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कवरेज नहीं कर रहा, तो आप क्या कहेंगे इसके इसके बारे में? अभी आज हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मारकंडा जो नदी है उसके अंदर ऐसे बम नुमक वस्तु है और अभी आगे हमने देखी है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बम नुमा वस्तु है और अभी हम बम डिस्पोजल टीम से भी संपर्क किया है, उनसे भी संपर्क करके उनको भी अभी जानकारी दे दी गई है और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि साथ में एरिया जो मारकंडा का एरिया ये अम्बाला क्षेत्र में पड़ता है वहाँ के SHO को भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है और जैसे भी होगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरह अभी मैंने जब देखा है तभी ये आए हैं और उसके साथ साथ हमने जो देखा है उसी ये काफ़ी जंग लगी हुई है और काफ़ी पुरानी है और अपने हिसाब से मतलब अभी उस अवस्था में नहीं है कि एकदम कोई अच्छा, ये निष्क्रिय लगे कि कोई घटना घट सकती है, इस प्रकार की कोई वो अभी स्थिति नहीं है। देखने में काफ़ी जंग लगा हुआ है वो आप भी देख सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं।